हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग आज यहां पर देखने वाले हैं बूट स्टेप 5 का लेक्चर नंबर 19। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग फॉर्म का ही डीपली पढ़ने वाले हैं गाइस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ फॉर्म कंट्रोलर के क्लास के हेल्प से फॉर्म क्रिएट किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिलेक्ट हम लोग कैसे सिलेक्ट ऑप्शन कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ देखा था कि हम लोग कैसे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सारा प्लेलिस्ट पे हमारा सारा का सारा वीडियो अपलोडेड होते जा रहा है। तो जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे फोल्डर है, जो कि बूट स्टेप क्लास के अंदर हम लोग जो कुछ काम करते हैं, तो इसको हम लोग सिंपली ओपन कर लेते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ। सिंपली गाइज, अभी जो भी हमारा यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर मेरा कुछ किया हुआ है काम, यहाँ पे इसको मैं सिंपली ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म कंट्रोलर फॉर्म लेबल से हम लोग क्या कुछ क्रिएट किए थे। तो हमारा प्रीवियस वीडियो में कुछ ऐसा लॉगिन और साइनअप का कुछ ये पेज था। ऑलराइट, सो आज हम लोग देखने वाले हैं गाइज कि हम लोग कोई भी फॉर्म के अंदर जो भी हमारा सिलेक्ट मेनू का ऑप्शन रहता है, जो भी हम लोग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, वो हम लोग बेसिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा क्लास आ जाता है सबसे पहले गाइस फॉर्म सिलेक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोग को इंडेक्स के अंदर दिखाऊं कि यहाँ पे आपको आ जाता है फॉर्म कंट्रोलर फॉर द इनपुट टैग, ठीक है, फॉर्म लेबल, ठीक है, लेबल टैग के लिए। वैसे ही हमारा आ जाता है यहाँ पे सिलेक्ट टैग के लिए फॉर्म सिलेक्ट। ऑलराइट, जैसे अभी मैं यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है, सो यहाँ पे आउटपुट हमारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे सपोज कि मैं जेंडर का एक सेक्शन रखूं, ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल हटा करके मैं कुछ यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन का ऑप्शन डालने वाला हूँ। सो इसके लिए हम लोग कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ईमेल वाले सेक्शन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जेंडर। ऑलराइट, तो जेंडर में हम लोग कैसा है कि हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे, मेल, फीमेल या अदर्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं इनपुट टैग को कर दिया हूँ कमेंट गाइस, और यहाँ पे मैं सिंपली रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा यहाँ पे लेबल सिर्फ शो हो रहा है, हमारा इनपुट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इनपुट मैं किस लिए कमेंट किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट का यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सिलेक्ट कुछ ऐसा हो जाता है। इसके अंदर हम लोग क्लास यूज करते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट फॉर्म सिलेक्ट। ये हमारा सिलेक्ट का क्लास आ जाता है। इसके अंदर हम लोग कैसा ऑप्शन, जैसे अगर हम लोग HTML में भी बनाते थे तो हम लोग क्या ऑप्शन देते थे, उसका वैल्यू देते थे। सो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा रख देता हूँ, और सबसे पहला का यहाँ पे जो रहता है इसका वैल्यू हम लोग देखिए, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ऑलराइट पहले में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मेल, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, मेल। ऑलराइट, और यहां पे हमारा दूसरा हो जाएगा वैल्यू में भी हम लोग सेम चीज पास कर देते हैं, जो भी यूजर सिलेक्ट कर रहा है वो वहां पे हमारा स्टोर भी होता है, ठीक है। यहां पे हमारा अदर्स आ जाता है, तो यहां पे मैं अदर्स को ले लेता हूं। सिंपली गाइस, यहां पे मैं अभी फॉर्म सिलेक्ट का यूज कर चुका हूं। ऑलराइट, और यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी मैं पास कर दिया हूँ, ऑप्शन के अंदर अपने जो भी हमारा ऑप्शन था वो भी मैं पास कर दिया हूँ। अभी इंडेक्स को मैं कर देता हूँ सेव, और आकर के अपने मैं ब्राउजर पे करता हूँ अपना रिफ्रेश। सो गाइस, देख सकते हैं काफी कूल सा हमारा यहाँ पे ड्रॉपडाउन भी बन चुका है, मतलब सिलेक्ट करने का भी हमको यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग गाइस सिलेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट फॉर्म सिलेक्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कुछ हमको साइज मिल जाता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जैसे कंट्रोल, हमारा जो फॉर्म कंट्रोल है, तो हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म कंट्रोल SM अगर मैं पास कर देता हूँ गाइस कुछ ऐसा, फॉर्म कंट्रोल SM मैं पासवर्ड वाले सिंपली इनपुट में किया हूं, तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो देख सकते हैं कि हमारा क्या कि जो कंट्रोलर हमारा जो इनपुट है वो हमारा छोटा हो चुका है। सेम एज इट इज हमारा क्या है कि सिलेक्ट के लिए भी हम लोग को साइजिंग मिल जाता है। तो हम लोग कैसा पास करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैं फॉर्म सिलेक्ट पास किया हूँ, ठीक है, सिंपली मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि फॉर्म सिलेक्ट SM या LG हमको जो भी साइज चाहिए होगा
उस हिसाब से मैं यहाँ पे कर दूंगा गाइस, तो हमारे क्या होगा कि वो इंक्रीज या डिक्रीज ठीक है हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को साइजिंग का भी मिल जाता है फॉर्म सिलेक्ट के क्लास के अंदर भी। ऑल राइट, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा और एक आ जाता है डिसेबल करने का। ये सारा कुछ भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी भी एक ऑप्शन को डिसेबल करना है या फिर आपको पूरा का पूरा आप यहाँ पे सिलेक्टेड पे आप यहाँ पे कुछ वैल्यू डालना चाहते हो कि हमेशा इस फॉर्म को मेल ही भर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग मेल कर देंगे और यहाँ पे कैसा डिसेबल्ड क्लास को पास कर देंगे। अभी हमारा क्या होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा मेल सिलेक्ट करके आएगा ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा डिसेबल होगा कि इसको कोई यहाँ पे मैं क्लास के अंदर डिसेबल को पास कर दिया था, ये सिंपली इसके बाहर साइड होगा ऐसा ठीक है। यहाँ पे मैं अभी रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल मेरा सिलेक्टेड आ रहा है और फिर उसके बाद क्या है कि इस पे हम लोग ये डिसेबल हो चुका है, इसको हम लोग सिलेक्ट या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये ऑप्शन और सिलेक्ट सारे चीजों का यूज कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट अगर देख ले हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग को और यहाँ पे डेटा लिस्ट का भी कुछ ऑप्शन मिल जाता है ठीक है। हम लोग यहाँ पे इससे ही हेल्प क्या होता है कि हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ भी अगर डेटा लिख रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा क्या है कि सर्च भी होता है, जो भी हमारा ड्रॉपडाउन का आइटम है वो हिसाब से हमारा सर्च होता है। अभी यहाँ पे सपोज मैं अगर आके भी लिख दूं ठीक है, और फिर उसके बाद मैं वापस से अगर इसको हटा देता हूं तो यहाँ पे देखिए डेटा लिस्ट में हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी ब्राउजर पे रहता है ठीक है, वो चीज हमारा क्या होता है कि सर हमारा लिस्ट पे सेव हो जाता है ठीक है। जो भी हमारा ब्राउजर पे रहता है वो हमारा क्या है कि हमारे कुकीज में, जैसे हमारा अगर मैं एक बार टाइप कर देता हूँ इसके अंदर आकिब, या फिर मैं टाइप कर देता हूँ वेबटेक ठीक है, अभी मैं मल्टीपल टाइम अगर इसको यूज करता हूँ तो हमारा क्या है कि ड्रॉपडाउन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे वेबटेक हमको फिर सजेस्ट करने लगेगा, क्योंकि देखिए इसके आगे मैं बहुत बार यहाँ पे क्या है कि देखो अभी डीएसडीएस करके डाला था, रहमानी डाला था, तो ये सारा कुछ क्या है कि ऑटोमेटिक हमारा आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं गाइस कि हम लोग एक लेबल लेते हैं जो कि हमारा ये चीज हो गया ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है इनपुट टैग रहता है ठीक है। इनपुट टैग के अंदर फॉर्म कंट्रोल हमारा पास होता है सिंपली, और लिस्ट ब्राउजर हम लोग यहाँ पे पास हो जाता है ठीक है, और आईडी हम लोग ब्राउजर पास कर देते हैं, और यहाँ पे सारा ब्राउजर का हम लोग ऑप्शन मतलब वैल्यू में पास कर देते हैं कि मतलब कि हमारा फायरफॉक्स पे भी जो भी वैल्यू रहे ठीक है वो भी आ जाए, हमारा क्रोम पे भी आ जाए, हमारा ओपेरा का अगर कोई हमारा यूज कर रहा है तो उसके अंदर जो भी हमारा अभी तक स्टोर हुआ है ठीक है डेटा वो सारा कुछ आ जाए। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि डेटा लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं ठीक है, और ये हम भी हमारा क्या है कि सिलेक्ट मेनू के अंदर भी अंदर ही आ जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेगा तो यहाँ पे हमारा कुछ चेक एंड रेडियस का ऑप्शन आ जाता है कि जब भी हम लोग को अगर कुछ चेकबॉक्स क्रिएट करना रहे, या फिर हम लोग को क्या है कि कभी हम लोग को रेडियस बेसिकली क्या है कि हम लोग को चेकबॉक्स का ऑप्शन रहता है वो सिंपली हम लोग को एक राउंड ऑप्शन में मिल जाता है ठीक है। और चेकबॉक्स पे क्या है कि हम लोग मल्टीपल्स चेक कर सकते हैं ठीक है, देख सकते हैं कि हम एट अ टाइम क्या है कि वन और टू दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिए, बट रेडियस का ऑप्शन क्या होता है कि एट अ टाइम आप वन ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वन को कर रहे हैं तो दूसरा वाला जो है वो हमारा अनटिक हो जाएगा ठीक है, वो हमारा सिलेक्टेड नहीं रहेगा, और यहाँ पे हमारा अगर सेकंड को करेंगे तो फर्स्ट वाला अनसिलेक्टेड हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कुछ रेडियो और कुछ हमारा चेकबॉक्स का हमारा ऑप्शन आ जाता है। और चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए गाइस काफी ज्यादा इजी है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, सपोज कि इसके अंदर मैं कुछ यहाँ पे चेकबॉक्स डालना चाह रहा हूँ ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी मेल और फीमेल के अंदर सिलेक्ट किया, इसी के अंदर मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे आप लोग को चेकबॉक्स भी डाल करके देता हूँ ठीक है। तो देखिए अगर मेल हम लोग यहाँ पे चेकबॉक्स हम लोग क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिव लेते हैं ठीक है, एक हम लोग डिव बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग क्लास क्या पास कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म चेक ठीक है, ये हमारा पास हो जाता है ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या है कि इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म चेक हमारा पास हो जाता है, उसके अंदर हम लोग क्या इनपुट ले लेते हैं इनपुट टैग को ठीक है। इनपुट टैग के अंदर मैं सारा कुछ यहाँ पे हटा देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे क्लास हम लोग का फॉर्म चेक इनपुट पास हो जाता है ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लास ले लेता हूँ ठीक है, उसके अंदर मेरा ऑप्शन वगैरह को हम लोग नहीं मिलेंगे तो कोई इशू नहीं है ठीक है। और दूसरा हमारा क्या रहता है यहाँ पे कि इनपुट के अंदर ही हमारा क्या यहाँ पे
चेक पास होता है। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमारा क्या है, उसके बाद हमारा यहाँ पे नीचे में लेबल आ जाता है जिसमें हम लोग कुछ भी मैसेज, मतलब कि चेकबॉक्स के जस्ट बाद हम लोग जो मैं जो भी कुछ लिखना चाहें, जैसे हम लोग लेबल में अभी क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि मेल, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया लेबल के अंदर लिखाएगा ये, और लेबल के अंदर भी हमारा क्लास पास होता है गाइस। ये हमारा क्या होता है कि अगर लेबल है तो फॉर्म चेक लेबल पास हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्लास फॉर्म चेक लेबल, फॉर्म चेक इनपुट, क्योंकि हमारा क्या है कि ये इनपुट रहता है एक, और दूसरा हमारा क्या है कि फॉर्म चेक लेबल, इससे क्या है कि ये लेबल को शो करवाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हमारा क्या है कि डिव क्लोज किसका है, ये फर्स्ट वाले जो हमारा में ये डिव था, ये सिंपली यहाँ पे ये डिव हमारा इतना क्लोज हो गया। अभी हम इसको सेव कर देते हैं गाइस, और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश अगर कर दें तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैसा ये बन चुका है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या है कि मल्टीपल अगर यहाँ पे ये कर दें इसको कुछ ऐसा, तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि जितना भी हम लोग क्रिएट करेंगे उस हिसाब से हमारे यहाँ पे क्रिएट होते जाएगा। अभी मैं फॉर्म के अंदर नहीं किया हूँ यहाँ पे, इसको सिर्फ अगर मेल के जगह पे अगर फीमेल का मेरे को बनाना होगा तो यहाँ पे मैं क्या फीमेल डाल दूंगा, तो इस हिसाब से मेरा वो क्रिएट होते जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है गाइस कि यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे हम लोग को रेडियो का ऑप्शन, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जेंडर डाल रहे हैं तो जेंडर के सीन में क्या होगा एक्चुअली कि जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वन वाले ऑप्शन को, अगर कोई भी बंदा मेल सिलेक्ट करता है अपने जेंडर को तो वहां पे ऐसा नहीं कि वो मेल या फीमेल सिलेक्ट और मेल सिलेक्ट दोनों करेगा, वो कभी भी करेगा तो सिंगल ही करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कैसे चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग को दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग सेम वैसा ही चेकबॉक्स का जैसा था वैसा ही हो जाता है, और डिव के अंदर हम लोग फॉर्म चेक को पास कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ये हमारा हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्या रहता है कि इनपुट पास होता है, और सिंपली यहाँ पे हमारा क्या है कि रेडियो क्लास रेडियो हमारा पास हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, इनपुट के अंदर हम लोग कैसा टाइप जो है वो हमारा क्या रहेगा, रेडियो रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसको बता दिया कि टाइप में रेडियो, अभी मैं यहाँ पे क्लास डाल दूंगा तो क्लास हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ये यह हमारा इनपुट है तो फॉर्म चेक इनपुट पास होगा। ठीक है, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि बाकी सारे चीज को हम वैसे ही छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। ठीक है, कि ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मैं अभी और यहाँ पे आकर के अभी मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन वन बन चुका है। देखिए, इसके अंदर हम लोग ऑप्शन वन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेबल डाल देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है कि ऐसा यहाँ पे हो जाता है। अभी मैं इसको अगर यहाँ पे सपोज कि ऑप्शन वन का या मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा मेल। ठीक है, अब इसी सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा डिव को कॉपी करके हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट भी कर देंगे, और दूसरे में हम यहाँ पे सिंपली क्या पास कर देंगे, फीमेल पास कर देंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या अदर समय मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा। अभी हम लोग इस पे यहाँ पे अगर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मेल फीमेल अदर हो चुका है। अभी यहाँ पे मेरा ये प्रॉपर वर्क भी करेगा, देखिए अभी यहाँ पे
सो यहाँ पे हमारा इस हिसाब से कुछ क्या है कि रेडियो बटन भी क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे कुछ टॉगल बटन मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि हम लोग अगर डार्क मोड करना है या फिर हम लोग बहुत बार अगर आप लोग देखते होंगे कि हम लोग क्या है कि कोई भी वेबसाइट में ऐसा डार्क मोड का कोई ऐसा स्विच रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं गाइस। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि मैं बाकी फॉर्म को जैसे हमारा सिंपली पहले था वैसे कर देते हैं। ऑलराइट, अभी मैं यहाँ पे अगर टॉगल स्विच ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए ये कैसे हो सकता है। अभी मैं सबसे नीचे इसको कर देता हूँ अपने मेरा बटन के जस्ट नीचे, तो इस बटन को बाद में यहाँ पे एक डिप ले लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे कैसा क्रिएट होता है कि यहाँ पे मैं क्लास जो पास करता हूँ ये हमारा क्या रहता है फॉर्म चेक और फिर हमारा फॉर्म स्विच, ये हमारा दो क्लास पास होता है गाइस। तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्म चेक पास कर देता हूं और यहां पे हमारा फॉर्म फॉर्म स्विच, ठीक है, ये हम एक डिव ले लिया, इसके अंदर मैं ये दो क्लास को पास कर दिया यहां पे क्लास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या रहता है गाइस कि हम लोग यहां पे इनपुट पास करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है कि लेबल पास करते हैं। लेबल में बेसिकली क्या है कि ये जो डार्क मोड लिखा हुआ ये एक लेबल के अंदर है और इनपुट के अंदर हमारा क्या है कि ये जो हमारा ये स्विच जो हो रहा है क्लिक होने पे ये हमारा सिंपली स्विच हमको क्रिएट करके दे देता है। तो इसका सिंपली क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक पहले इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, वो स्विच क्रिएट करने के लिए। तो इनपुट हम लोग कुछ ऐसे ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग देखिए क्लास यहाँ पे क्या फॉर्म चेक इनपुट ही क्लास यहाँ पे पास करेंगे। तो और यहाँ पे टाइप हमारा क्या रहेगा, टाइप हमारा चेकबॉक्स रहेगा, तो हम यहाँ पे चेकबॉक्स ले लेते हैं टाइप को अपने, ठीक है। उसके बाद नेम आईडी को मैं अभी रिमूव कर रहा हूं अभी के लिए और यहां पे क्लास में कैसा ले लूंगा फॉर्म चेक, ठीक है, मेरा क्लास हो गया टाइप हो गया। उसके बाद हम लोग आईडी यहां पे पास कर देते हैं गाइस, आईडी हम लोग को वर्क करेगा यहां पे और आईडी हम लोग पास करते हैं माई स्विच, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग आईडी दे देते हैं और इसका कुछ वैल्यू यहाँ पे नेम रहता है अगर तो हम लोग नेम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, नेम अगर नहीं भी देंगे तो कैसा कोई इश्यू है नहीं। दूसरा हमारा क्या रहता है वैल्यू रहता है यस, कि जब भी आपका बाय डिफॉल्ट रहे तो वो मतलब स्विच ऑन रहे या ऑफ रहे इस हिसाब से हम लोग वैल्यू डालते हैं। फिर हमारा क्या है कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक का क्लास ये पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेबल बना लेते हैं गाइस, लेबल इसके लिए बनाने के लिए हम लोग क्या है कि एक लेबल टैग ले लेंगे, ठीक है, लेबल फॉर हमारा क्या है तो लेबल हमारे यहाँ पे फॉर माई स्विच है, ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा आईडी था इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेबल पे पास कर देंगे। इसके बाद अंदर हम लोग क्लास ले लेते हैं गाइस, तो क्लास हम लोग पास कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा फॉर्म चेक लेबल ही पास होगा क्योंकि ये सिंपली हमारा क्या है कि एक लेबल बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास में फटाफट फॉर्म चेक लेबल पास कर देते हैं और अभी हम इसको सेव कर देते हैं और देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है या नहीं। अरे भाई स्क्रिप्ट हम लोग का नहीं लगा हुआ, नहीं नहीं स्क्रिप्ट हम लोग का दूसरा वाला एक्टिव हो गया इसीलिए जल रहा है सारा। तो देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पे प्रॉपरली डार्क मोड है और वैल्यू हमारे क्या हम रखे थे यस रखे थे। अगर मैं यहाँ पे नो रख देता हूँ और सिंपली अगर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा वैल्यू रहेगा जब हम लोग सेव करेंगे तो हमारा वो नन में वैल्यू सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पास कर रहे थे वैल्यू, अगर हम लोग नहीं भी रखते तो ऐसा कोई इशू है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिजाइनिंग के हिसाब से देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ पे डार्क मोड या फिर हमारा क्या है कि यहाँ पे स्विच क्रिएट हो चुका है। इसको हम लोग सिंपली सेंटर में करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा पास कर देते हैं इस डिफ के अंदर और रिफ्रेश कर देते हैं और इसको हम लोग 3 पे रखेंगे। और
मार्जिन टॉप हम लोग अप्लाई कर देते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ कि सेंटर में आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं काफी कूल हमारा ये पूरा का पूरा स्विच काम कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग गाइज यहाँ पे टॉगल स्विच का भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे गाइज आ जाता है गुड स्टेप 5 का रेंज। ठीक है, यहाँ पे रेंज में बेसिकली क्या है कि हम लोग को कुछ ऐसा यहाँ पे स्विच मिल जाता है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे और हमारा बाकी जो भी हमारा फ्लोट लेबल ग्रुप और वैलिडेशन ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।